नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हम कुछ टाइम से, कुछ दिनों से आपको डाटा की वीडियो दे रहे हैं, थ्री फेस मोटर डाटा की। तो आज में हमने एक पार्ट बनाया है जिसमें हम आपको लगभग 15 से 16 डाटा आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो भी आराम से आपको देखना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं रिलायंस मोटर थ्री फेस 3 HP 36 स्लोट 4 पोल 1440 RPM मोटर का डाटा। ये इसकी पिच होती है 1 से 8, गेज रहते हैं डबल 19, टर्न रहते हैं डबल 25, सेट में कॉइल है 3, टोटल कॉइल 36 रहेगी, टोटल सेट 12 रहेंगे, कनेक्शन रहेंगे स्टार, ठीक है। दोस्तों, अगला डेटा हम रिलायंस मोटर का दे रहे हैं, ठीक है। तो रिलायंस मोटर है यहाँ पे 3 HP की, थ्री फेस में, 36 स्लॉट में, 4 पोल 1440 RPM में, पिच रहेगी 1 से 8, गेज रहेगा 19, सिंगल टर्न 27, सेट में कॉइल रहेंगी 3, टोटल कॉइल 36, टोटल सेट 12, कनेक्शन रहेंगे स्टार, ठीक है। दोस्तों, अगला डेटा मैं आपको दे रहा हूँ GEC मोटर का। जी हाँ दोस्तों, GEC मोटर का है डेटा। इसमें दोस्तों 5 HP की मोटर है, थ्री फेस, 24 स्लोट में, 4 पोल में, 1440 RPM में, पिच रहेंगे 1 से 7, 1 से 9, गेज रहेगा डबल 20, टर्न रहेंगे डबल 30, और यहाँ पे 30+30 रहेंगे टर्न, और सेट में कॉइल रहेंगे 2, टोटल कॉइल 24, टोटल सेट 12, कनेक्शन रहेंगे स्टार। एक मोटर है दोस्तों USA मोटर, थ्री फेस की है, 5 HP में है, 36 स्लोट में है, 4 पोल में है, 1440 RPM में, पिच रहेंगे 1 से 8, गेज रहेगा 17 नंबर, टर्न रहेंगे 21, सेट में कॉइल रहेंगे 3, टोटल कॉइल 36, टोटल सेट 12, कनेक्शन रहेंगे स्टार। अगला डेटा जो मैं दे रहा हूं है दोस्तों क्रेन मोटर का। क्रेन नाम की एक मोटर आती है उसका, ये थ्री फेस की मोटर है, 6 HP में, 36 स्लोट में, 1440 RPM, 4 पोल में, पिच रहेंगे 1 से 9, गेज रहेगा 21 नंबर, टर्न रहेंगे 30, सेट में कॉइल रहेगी 3, टोटल कॉइल रहेगी 36, टोटल सेट रहेंगे 12, कनेक्शन रहेंगे डेल्टा में। उसके बाद जो अगला डेटा है दोस्तों वो है लोकल मोटर का, ठीक है। लोकल मोटर जो होती है, ये थ्री फेस की मोटर है और 7.5 HP की, 36 स्लोट में, 4 पोल 1440 RPM जो मोटर होती है उनमें ये डेटा आप लगा सकते हैं, ये वाला डेटा, ठीक है। और जो कॉइल की लेंथ है वो दोस्तों देखिए मॉडल के हिसाब से थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, तो कॉइल साइज निकालना आपको बता रखा है, कॉइल साइज आप निकाल सकते हैं और ये डेटा लगा सकते हैं। टर्न आपको सेम रखने, बस कॉइल साइज का आपको फर्क करना होता है, मोटर का अगर स्टैम्पिंग साइज थोड़ा ऊपर नीचे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल मोटर में यहाँ पे पिच रहेंगे 1 से 8, गेज रहेंगे 20, ठीक है, ट्रिपल तार रहेंगे 20 20 20, ठीक है नंबर, और टर्न रहेंगे 14+14+14, और सेट में कॉइल 3, टोटल कॉइल होंगी 36, टोटल सेट 12, कनेक्शन रहेंगे स्टार। और मैं आपको और भी डेटा दे रहा हूं, तो देखिए अगला डेटा है, ये है सीमेंस मोटर का। सीमेंस मोटर थ्री फेज का है दोस्तों, ये मोटर 7.5 HP में है, 1440 RPM, 4 पोल 36 लोड, पिच रहेगा 1 से 6 1 से 8 1 से 10, गेज रहेगा डबल 21, टर्न रहेंगे डबल 24, और सेट में कॉइल रहेगी 3, टोटल कॉइल 36, टोटल सेट 12, और कनेक्शन रहेंगे इसमें डेल्टा। अगला डाटा है दोस्तों न्यू इंडिया नाम की एक मोटर है, न्यू इंडिया के नाम से आती है उसका, है थ्री फेस मोटर, 7.5 HP की, 700 RPM, ठीक है। इसके पोल जो होते हैं वो 8 होते हैं और 14 स्लोट की मोटर होती है, पिच रहेंगे 1 से 5 1 से 7, गेज रहेगा 19+20, टर्न रहेंगे 21+21, सेट में कॉइल रहेंगे 2, टोटल कॉइल 48, टोटल सेट रहेंगे यहाँ पे 24, और डेल्टा रहेंगे कनेक्शन।
एक लोकल मोटर है, 3 फेस, 10 HP, 2800 RPM, 2 पोल और 24 स्लॉट में इसका डेटा है। पिच रहेंगे 1 से 8, गेज रहेंगे 22 × 4, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ हो जाते हैं और टर्न हो जाते हैं 31 × 4, ठीक है, तो 4 तार हैं हमें, टर्न भी 4 बारी होंगे इसके। और सेट में कॉइल रहेंगे 4, टोटल कॉइल 24, टोटल सेट 6 कनेक्शन रहेंगे डेल्टा। अगला डेटा मैं आपको दे रहा हूं ईसीई मोटर का। ईसीई मोटर 3 फेज, 25 HP, 900 RPM, 6 पोल, 54 स्लॉट की मोटर है। पिच रहेंगे 1 से 9, गेज रहेगा 18.5, पहला गेज 18.5, दूसरा 19.5, और टर्न रहेंगे 24+24, सेट में कॉइल 3, टोटल कॉइल 54, टोटल सेट 18, कनेक्शन रहेंगे पैरलर्स कनेक्शन। ठीक, पैरलर कनेक्शन क्या होते हैं इस पे वीडियो है, डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं इस पे वीडियो, स्टार कनेक्शन क्या है इस पे वीडियो है, सभी जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अगली मोटर है रिलायंस की है, रिलायंस मोटर 3 फेस, 30 HP की है, 30 HP, 1440 RPM, 4 पोल और स्लोट रहेंगे इसके 48, 48 स्लोट, और पिच रहेंगे 1 से 11, गेज रहेगा 18, टर्न रहेंगे 22, सेट में कॉइल रहेगा 4, टोटल कॉइल 12, टोटल सेट 12, टोटल कॉइल 48, कनेक्शन रहेंगे इसके स्टार, ठीक है। तो दोस्तों इनका ना मैंने PDF फाइल बना के और उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, 1-2 MB का, 2 से 3 MB का होगा फाइल ज्यादा ज्यादा। अगली मोटर है दोस्तों यहाँ पे जायको की है, जायको जायको 1 HP की है, 2 पोल की है, 3 फेस में, 2800 CRPM में, 24 इसके स्लोट हैं। पिच रहेंगे 1 से 10, गेज रहेगा 21 नंबर, टर्न रहेंगे 78, सेट में कॉइल रहेंगे 2, ठीक है, एक सेट में 2 कॉइल यानी कि टोटल सेट 6 है, टोटल कॉइल यहाँ पे 12, कनेक्शन रहेंगे इसके स्टार। दूसरा डेटा है दोस्तों नियल नाम की एक कंपनी है, नियल मोटर का, तो यहाँ पे 1 HP की मोटर है, 960 RPM है, 6 पोल है, 36 स्लोट है, पिच रहेंगे 1 से 5 1 7, गेज रहेगा 22 नंबर, टर्न रहेंगे 50, सेट में कॉल रहेंगे 2, टोटल कॉल रहेंगे 36, टोटल सेट 18, कनेक्शन रहेंगे स्टार। ये दूसरा डेटा था जायको के बाद। एक है दोस्तों एक डेटा है नव इंडिया मोटर का, नव इंडिया के नाम से कहती है, 1 HP की मोटर है, 960 RPM में, 6 पोल में, 36 स्लॉट में, पीछे 1 से 6, गेज 27, टर्न 90, सेट में कॉइल 1, टोटल कॉइल 18, टोटल सेट 18 और कनेक्शन रहेंगे स्टार। अगला डेटा है दोस्तों यह है मैट्रिक मोटर का, मैट्रिक के नाम से आती है, 1 HP, 3 फेज, 1440 RPM, 4 पोल में, 36 स्लॉट में, पिच रहेंगे 1 से 5 1 7 1 से 9, गेज रहेगा 22 नंबर, टर्न रहेंगे 45, सेट में कॉइल रहेंगे 3, टोटल कॉइल रहेंगे 36, टोटल सेट रहेंगे 12 और कनेक्शन रहेंगे स्टार। तो ये कुछ डेटा मैंने आपसे शेयर किया है और हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें हमने सभी मोटरों का डेटा, जितनी भी तरह की मोटर आती है जो डेटा होता है हम उसमें डाल देते हैं, वीडियो को जिस पे वीडियो बनाते हैं वो डाल देते हैं। उसमें हमने ट्रांसफार्मर्स का डेटा दे रखा है, सभी तरह के ट्रांसफार्मर्स का मोटर का। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, आगे भी आपको डेटा देते रहेंगे, बहुत सारे काफ़ी सारे डेटा है हमारे पास, उम्मीद करते हैं कि आप इनको सेव करके रखेंगे, आपके बहुत काम आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF फाइल में लिंक मैं डाल दिया है PDF फाइल डाउनलोड करने का, तो PDF फाइल आप डाउनलोड कर लें। और फिर मिलेंगे किसी अन्य डेटा की वीडियो के साथ, किसी अन्य वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मुझे कई सारे कमेंट्स आए, मैंने कुछ वीडियोस डाले थे उसमें कहा कि सर ये स्टंपिंग साइज भी साथ में बताओ, कॉइल लेंथ भी साथ में बताओ। तो देखिए डेटा बुक में से मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने स्टंपिंग साइज और ये चीज़ें मैंने नोट करके यहाँ पे नहीं रखी हैं,
तो इसके लिए जब मैं वीडियो बनाऊंगा जैसे भी मोटर की रिवाइंडिंग की, तो उसमें मैं बता देता हूँ सारी चीज़ें बताता हूँ उसमें डाटा की कंप्लीट चीज़ें। और स्टंपिंग साइज होता है जो ये मैंने डेटा तो बता दिया, स्टंपिंग साइज आप निकाल सकते हो मोटर का कि कॉइल लेंथ क्या है, उसका स्टंपिंग साइज देख के कॉइल लेंथ आप निकाल सकते हो, उस पर भी हमने वीडियो डाल रखे हैं। ठीक है, तो डेटा में जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो सब मैं बता रहा हूँ फिलहाल, तो और भी ज़्यादा चीज़ें होंगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।